हेलो गाइस, आप सबों का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप सबों को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। सुंदर लग रहे हैं। हाँ, क्या क्लिप लगा है? हाँ, और काम भी कर रहे थे। काम भी कर रही थी? हाँ। क्या काम की? बर्तन धो रहे थे। अच्छा, बर्तन धो रही थी। मेरे इतना सुख का दिन आ गया है ना, इतना सुख का दिन आ गया है कि कहना नहीं। मम्मी, हमको खाना 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 है। तो फ्रेंड, आज स्कूल तो छुट्टी है, तो सोचे रोज रोज रोटी खा खा के बोर हो जा रहे थे, तो आज ब्रेकफास्ट में बनाए हैं हम लोग मूढ़ी और छोला। कभी कभी छुट्टी रहने से कुछ अलग खाना चाहिए, तो मूढ़ी है। तो गाइस, आज है रक्षाबंधन, तो हमारी फैमिली की ओर से आप सबों को हैप्पी रक्षाबंधन। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए फैमिली के साथ। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कर लिए होंगे, जब तक ये ब्लॉग आएगा आप लोग सेलिब्रेट कर लिए होंगे। तो हम लोग की तरफ से आप लोगों को सबसे, और ये एंजल को ये रक्षाबंधन गिफ्ट मिला है ना, एंजल है क्यूट सा ड्रेस, इधर देखो। तो आज वही छोला बना है, और थोड़ा सा बहुत दिन से खीर खाने का मन कर रहा था, बना ही, आज बनाएंगे कल बनाएंगे वैसा हो रहा था, और तो आज थोड़ा सा खीर बनाया। एंजल को भी खीर पसंद है, तो हम सोचे चलो थोड़ा सा बनाते हैं। वैसा कुछ ये नहीं, लेकिन खाने का मन कर रहा था, छुट्टी था, टाइम था, तो बना लिए। मुड़ी को दिखाएंगे, एंजल बोल रही है दिखाओ मुड़ी। अरे एंजल का पूरा लुक देखिए, ऐसे है, डैडीज गर्ल, मम्मी की बेटी नहीं है। अरे एंजल नहा धोवा के रेडी हो गए, पापा भी, हम बाकी है, क्योंकि काम हुआ नहीं है, तभी हम घर का सारा काम करेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। ये रहा फ्रेंड मेरा खीर, ये बन रहा है। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हाफ हो गया है, हाफ बाकी है। और इधर देखिए मेरा टेस्टी टेस्टी छोला का सब्जी, तो आज ब्रेकफास्ट में मज़ा आ जाएगा। और एंजल के पापा को स्कूल का ऑफिस में कुछ काम है, तो इसीलिए वो लोग को सबको बुलाए हैं, तो इधर बढ़ बढ़ जा रहे हैं, इसीलिए पहले हम नाश्ता बनाएं और कुछ नहीं किए, अभी बर्तन धोना बाकी है, सारा काम बाकी ही है। तो हम बोले पहले जल्दी से नाश्ता बना देते हैं, नाश्ता करके चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम करेंगे। तो एंजल भी जिद करने लगे, हम भी नहाएंगे। तो हम बोले चलो नहला दे, उसके पापा को बोले आप नहला दीजिए, और फिर धीरे धीरे हम बाकी काम करेंगे। इसीलिए देख रहे ना, न्यू ड्रेस पहनने के लिए एकदम परेशान है। देंगे और मुड़ी देंगे एंजल आपको, मुड़ी देंगे। हाँ, तो चलिए एंजल को थोड़ा सा मुड़ी दे देते हैं। सो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी, और मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी से निकलना है। तो गाइस, मैं निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से बाद में, तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस, हम लोगों का मीटिंग ओवर हो चुका है, और हम लोग अभी मैं विशेष कर निकल गया हूँ, और आज रोड भी थोड़ा सा खाली खाली, आप लोग देख सकते हैं ना, फिर इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना कि कहना मुश्किल हो जाता है, कि चलना मुश्किल, बहुत दिक्कत। तो हम सब निकल गए हैं, सिर्फ मैं ही निकला हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ में, जैसे टीचर्स थे सारे लोग, हम सब निकल गए हैं अपने अपने कामों के लिए। तो उन लोगों का जो भी काम था वो सारा हो गया था। देखिए यहाँ पर ये आपका बिरसा पार्क है, और सारे लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर है यू प्लस मॉल, आज ये भी खाली खाली नजर आ रहा है, और यहाँ नया है कल्याण ज्वेलर्स, ये है आपका कल्याण ज्वेलर्स। सो गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया घर, और रोड खाली खाली थी इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी मुझे आने में, और एंजल इधर में देख रही है। छोटा वाला। सो गाइस, जस्ट कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया जाए, उसके बाद में डिसाइड किया जाता है क्या किया जाएगा, देखते हैं। आज ऐसे कुछ प्लान नहीं है, बट फैमिली का प्लान बनाती है, देखते हैं। अगर कहीं जाने का प्लान होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और एंजल को मिल गया है छोटा सा बोतल, आज एंजल है ब्लैक ब्यूटी है ना बेटा, आज एंजल ब्लैक ब्यूटी है ना मामा।
हाँ ठीक है, खोल दो पापा। खोल देंगे हाँ। ओके से खोल देंगे ऐसे ऐसे करके। ओके ठीक है पापा खोल दो। सो हम लोग की मैडम नहा धोवा करके पूरा रेडी हो गई है और सारा काम को ख़त्म कर लिए है। मैं जैसे ही वापस आया तो मैं देख रहा था कि ये तो नहाने चली गई है, एंजल बाहर में खड़ी थी और अभी तो एंजल किताब देख रही है, बुक पढ़ के दिखा रही है। तो इधर ये पूरा बाल वाल आज पूरा धो करके पूरा रेडी हो गई है। आपको कुछ कहना है? हाँ धो ले, बहुत दिन हो गया था ना, पिछला फ्राइडे को धोए थे। अच्छा। हम जल्दी जल्दी धोते नहीं है बाल, हम सुखाने का भी बहुत आदत लगता है, इसीलिए हम 5-6 दिन में धोते हैं, तो इसीलिए सोचे चलो आज धो लेते हैं। बट धोना भी चाहिए थोड़ा बाल, सब पसीना पसीना हो जाता है ना। साफ रखना चाहिए लेकिन वही टाइम बाल सूखता नहीं है मेरा जल्दी ना, इसीलिए हम तो अभी खाना आज नहीं बनाए हैं, तो अभी बनाए। आज किसका घर जाएंगे खाने के लिए? किसी का घर नहीं जाएंगे खाने के लिए, तो हम सोचे काम उम कर लेता है तो घर ही में, इसीलिए हड़बड़ी नहीं है, तो आराम से अभी दाल भात, तो अभी दाल और चावल बनाएंगे और कुछ बना लेंगे, क्योंकि सब्जी तो सुबह बनाए थे तो ज़्यादा ही बनाए थे, जो चना का सब्जी बनाए थे, तो अभी दाल भात फटाफट वो तो तुरंत हो जाएगा, इसीलिए अभी तो बज रहा है। आज कहाँ घूमने जाना है? पता नहीं, घूमने ले जाने वाला आप है, घूमने ले आप जहाँ बोलेगा आप जहाँ बोलेगा वहीं लेकर के जाऊँगा। एंजल सुबह से रेडी होकर के बैठी है, घूमने जाएंगे ऐसे कोई प्लान नहीं कोई है? वहाँ मैं देखा ना बिरसा पार्क में, वहाँ कुछ भी नहीं, पूरा बंद। और हाँ वहाँ आदिवासी दिवस मनाने के बाद में अभी भी लोग सुधार नहीं किया है, तो पार्क में अभी थोड़ा सा किसी को नहीं घुसने दे रहा होगा, घूमने जैसा वाला कंडीशंस नहीं है, इसलिए लोग भी नहीं है वहाँ पर। हाँ तो झूला वूला हटा दिया होगा, इसलिए कुछ नहीं है, झूला वूला हटा दिया होगा तो कहाँ से, क्योंकि झूला लगाया हुआ तो वहीं पर तो ये था। अरे हम लोग वहाँ जा सकते हैं, नया वाला मॉल, उस बार इतना ज्यादा भीड़ था कि मजा ही नहीं आया। इसे प्लान आउट किया जाए, देखते हैं कोई अभी हम सब कहाँ जाने वाले हैं। फिलहाल तो हम बना लेते पेट पूजा के लिए खाना पीना, ये ज्यादा जरूरी है। आज मूली खाए तो भूख लग रहा है, तो चलिए हम फटाफट बना लेते हैं दाल भात। फ्रेंड उस समय आप लोग को बोला कि हम लंच बनाने जा रहे हैं, उसके बाद बनाए और उसके बाद फिर सूठी नहीं किए, और अभी बजने वाले हैं 4, तो खाना वाना खाए। मैंने ये फ़ोन भी थोड़ा सा बिजी था, कुछ काम से बात कर रहे थे तो इसीलिए भी शूट नहीं कर पाए, और उसके बाद खाना वाना खाए ना, इतना नींद लग रहा था, इतना नींद लग रहा था कि एंजल को सोने बोल रहे, वो सो ही नहीं रही, तो हम सो गए। और फिर एंजल उसके पापा के साथ खेल रही थी, खा रही है, खेल रही है, फ़ोन देख रही, क्या क्या कर रही थी, तो फिर हम सो गए। लेकिन इतना वो खेल रही थी तो हमको नींद भी वैसे नहीं आया, थोड़ा देर आया उसके बाद टूट गया, उसके बाद सोचे सोएंगे, लेकिन मतलब उस समय जो नींद लग रहा था वैसे नींद ही नहीं, फिर हम सोचे छोड़ो। तो अभी जाते हैं एक बार बाहर, कपड़ा सब दिए थे चेयर में, तो हमको लगता सूख ही गया होगा, तो चले चलते। और बाल भी मेरा पूरा हम मतलब खुला करके और बेड के नीचे गिरा दिए थे तो सूख गया। तो एंजल अब सोई है, उसके बाद उसको हम बोले आओ मेरे पास आओ, तो बोल करके उसको पकड़ करके, तो फिर बोले आइस क्लोज करो, तब सो गई। तो बाल भी सूख गया है, केवल इधर अंदर का थोड़ा सा गीला है, तो वही कपड़ा सब लेने जाते हैं, वहाँ 2 मिनट खड़े होंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, तो चलिए कपड़ा सब उठा लेते हैं। कपड़ा सब लेकर के आ गए, चेयर को भी एक चेयर को छोड़ दिए, उसमें जो बेडशीट और एक दो कपड़ा नहीं सूखा था उसको डाल दिए, थोड़ा सा धूप है, और ये सब बाकी कपड़ा, आज बहुत तेज धूप था ना तो सारा सूख गया। आज इतना ज़्यादा धूप था ना कि कपड़ा पूरा सूख गया, और हम बाल को खोपा कर लिए, अभी कपड़ा सबको सरिया लेते हैं और फिर वो कपड़ा सब सूखेगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर वाला ये में डाल देंगे। कल तक क्या, शाम तक सूख जाएगा, तो नहीं तो रहेगा शाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और एंजल भी सो रहे हैं, तो और अभी तुरंत एंजल के पापा भी बोले थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, उनका पैर का भी जो घाव है ना वो
अभी भी दर्द करता है, तो कभी कभी दवा लगाते फिर थोड़ा हवा लगने देते हैं, तो इसीलिए हम बोले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर एंजल उठेगी तो फिर सोचेंगे इधर उधर कहीं जाएंगे। तो इधर 2-3 दिन से ही थोड़ा सा धूप दे रहा है, तो एक दिन में कपड़ा सूख रहा है, नहीं तो ऐसा मौसम करके रखा था ना कि ना तो बारिश ही होता था ना ही धूप देता था, फिर एकदम आज का कपड़ा कल परसों वैसा कर करके 2-3 दिन करके कपड़ा सूख रहा था। और कल भी, हाँ कल परसों भी बहुत तेज दिया था कल भी और आज भी, इसके चलते गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज इसीलिए धूप अच्छा था तो बेडशीट सबको भी हम धो। फ्रेंड देखिए उस दिन आप लोगों को दिखाए थे, फिर आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे, तो अब देखिए अब ना हरा मतलब भरा भरा हो गया, पूरा खाली हो गया था, ये वाला में भी पूरा नया पत्ता आया ना उसके बाद भरा भरा आ गया। अब हमको इंतज़ार है कि कब इसमें कली आएगा और आप लोगों के साथ प्यारा प्यारा फूल हम शेयर कर पाएंगे। और इसमें भी देखिए उस दिन देखे थे अब थोड़ा सा निकला था, अभी 3 डाली करी पत्ता का लिप्स नया निकल गया है और उसमें भी निकलने वाला है, तो बढ़ जाएगा तो अच्छा है। और यहाँ थोड़ा हवा पानी भी लगता है ना, तो हमको लगता है यहाँ पौधा सब अच्छा से होगा। तो अभी शुरू में यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आता है, वही अप्रैल मई जून, अब धीरे धीरे कम होते जाएगा ठंडा में, तो हमको लगता है यहाँ पर अच्छा से होगा। और धूप देखिए कितना तेज धूप है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है, तो हम सोच रहे हैं अभी ठंडा दिन में जो और तरह तरह का फूल का पौधा लाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। अभी हम सोचे हैं कि अभी जो ठंडा दिन में फूल का पौधा सब आता है वो सबको लाएंगे, और मेन तो दिक्कत है मिट्टी का, तो पहले मिट्टी बंदोबस्त करेंगे, कहीं से मिट्टी ले करके आएंगे और उसके बाद फिर पौधा लाना कोई बड़ा बात नहीं, पौधा तो मिल जाएगा, तो मिट्टी ही मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ये सब मिट्टी लेकर के आए थे उसके बाद लगाए, तो पहले मिट्टी लाएंगे फिर पौधा सब लगाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।